मैं अजमेर ज़िले का रहने वाला हूँ। मेरी 4 साल की बेटी है युक्ति कुशवाहा। उसको जन्म से ही डायमंड ब्लैक फैन एनीमिया है। उसको इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि उसको ब्लड नहीं बनता बिल्कुल भी। जब वो 1 महीने की थी तभी उसका हीमोग्लोबिन लेवल 3.5 आ गया था। तब हमने शुरू में, जब वो 1 महीने की थी, हमने उसको अजमेर के मित्तल अस्पताल में भर्ती करवाया। तब वहाँ पे उसको ब्लड चढ़ाया और वहाँ से उस टाइम उसको छुट्टी दे दी गई। फिर जब दूसरी बार वापस से 1 महीने के अंदर ऐसा हुआ कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल 5.8 आ गया, तब डॉक्टर को थोड़ा सा अजीब लगा और उन्होंने मेरी बेटी के लिए यहाँ जयपुर के अंदर मणिपाल अस्पताल को सजेस्ट किया। तब मैंने देर न करते हुए सीधे मेरी बेटी को लेके मणिपाल अस्पताल में यहाँ पर लेके आया। तब यहाँ पर डॉक्टर राहुल शर्मा से उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ। मैं लगातार 3 साढ़े 3 4 साल से सर के साथ फॉलोअप में था। सर ने काफ़ी अच्छे से मुझे गाइड किया कि इस डिज़ीज़ के लिए अपन कैसे कैसे क्या क्या प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, क्या क्या दवाइयाँ इसके लिए हैं, और अंत के अंदर जो ऑप्शन है वो लास्ट ऑप्शन बोन मैरो ट्रांसप्लांट है। हॉस्पिटल स्टाफ ने और सर ने और बेसिकली मेरे साथ वालों ने, मेरी फैमिली ने, सब ने अपनी पूरी कोशिश करी। इसकी अच्छी खासी जो भी दवाइयाँ हो सकती थी, एस्ट्रॉइड जिसके जो भी हो सकते थे, सारे इसको दिए, लेकिन उनका कोई भी निर्णय नहीं निकला। तो बेसिकली लास्ट में हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचा, वो लास्ट ऑप्शन यही बचा कि हमें इसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ेगा। बोन मैरो ट्रांसप्लांट अभी मेरी बेटी का हो चुका है और वो बहुत अच्छे हद तक 100% सक्सेसफुल है। उसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। इसके अंदर हॉस्पिटल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर राहुल शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें इन्होंने मतलब एक तरीके से घर के तरह से हमें ट्रीट किया और मतलब बिल्कुल अच्छे से मेरी बेटी को यहाँ पे फैमिलियर होके रखा और उसको बिल्कुल भी घर की कमी महसूस नहीं होने दी। और इन्होंने इतना अच्छा यहाँ पे माहौल बना के रखा कि मतलब हमें भी यहाँ पे 3 महीने से 2 महीने से इसका ट्रीटमेंट जो ट्रांसप्लांट का चल रहा था वो बहुत अच्छे से निकल गया। अभी भी इसके ट्रांसप्लांट को कम से कम 1 महीना करीब हो चुका है डिस्चार्ज हुए हुए, और अभी उसको किसी भी तरह की कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि जिसमें उसको परेशानी आ सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राहुल शर्मा है और मैं मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर में पीडियाट्रिक हेमेटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट एंड बोन मैरो ट्रांसप्लांट फिजिशियन के तौर पर कार्यरत हूँ। युक्ति जो हमारी पेशेंट है वो करीब 1.5 महीने की उम्र पे हमारे पास आई थी, और जब इसको उस टाइम इस बच्चे को लगातार हर 8-10 दिन में ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी और इसका हीमोग्लोबिन लेवल बहुत ही कम हो गया था, करीब 3 साढ़े 3 के करीब। सो ये सीवियर एनीमिया था जो कि जन्म पे ही इसको प्रेजेंट कर रहा था। सो उस वक्त हमने इसको वर्कअप किया, बोन मैरो की जांच की और बोन मैरो फेलियर सस्पेक्ट किया, और जब इसकी जेनेटिक रिपोर्ट भेजी गई तो उसमें डायमंड ब्लैक फैन अनीमिया का डायग्नोसिस निश्चित हुआ, जो एक तरह का इनहेरिटेड रेयर बोन मैरो फेलियर सिंड्रोम है जो करीब 1 से 2 लाख लोगों में से किसी एक बच्चे में होता है। आमतौर पर स्टीरॉयड की थेरेपी से ऑलमोस्ट 70 से 80% बच्चे इस बीमारी से निकल जाते हैं और उसमें ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट अनफॉर्चुनेटली युक्ति के केस में ऐसा नहीं हुआ और स्टीरॉयड की जो थेरेपी हमने इसको दी थी वो इसमें फेल हो गई, और युक्ति को सर्वाइवल के लिए लगातार हर 2 से 3 हफ्ते में ब्लड की ज़रूरत पड़ रही थी, जिससे जो ब्लड के साथ एक्सेस आयरन जो होता है वो इसकी बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स में, जैसे कि हार्ट में, लीवर में एंड एंडोक्राइन ऑर्गन्स में डिपॉजिट हो रहा था। सो हमने फैमिली से वापस डिस्कस किया और बताया कि इस बीमारी को ट्रीट करने का एक ही तरीका है आज की डेट में, जिसे हम एलोजेनिक बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं, जिसमें एक हेल्दी डोनर से स्टेम सेल्स लेके बच्चे को दी जाती है। और एचआरए की जांच के लिए हमने युक्ति का सैंपल भेजा। उस वक्त युक्ति के कोई भाई या बहन नहीं था तो हमने मदर फादर का सैंपल भेजा, एंड साथ ही हमने बोन मैरो ट्रांसप्लांट डोनर रजिस्ट्रीज जो होती हैं उसमें भी युक्ति का एचएलए भेजा, और कोशिश ये की कि कोई से अनरिलेटेड डोनर जो कि इसके साथ पूरा मैच करता हो वो मिले, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। तो हमने फाइनली फिर युक्ति की फैमिली के साथ दोबारा हमने काउंसलिंग की और ये बताया कि अगर ये लोग चाहते हैं तो हाफ मैच ट्रांसप्लांट, जिसे हम हेप्लो आइडेंटिकल डोनर ट्रांसप्लांट भी बोलते हैं, वो किया जा सकता है। युक्ति और उसकी फैमिली ने, उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि वो हाफ मैच ट्रांसप्लांट के साथ ही आगे बढ़ेंगे। हमने युक्ति को हाफ मैच ट्रांसप्लांट के लिए तैयार किया एंड उसके फादर को एज ए स्टेम सेल डोनर सेलेक्ट किया। सारे के सारे जो प्री ट्रांसप्लांट वर्कअप है वो किया गया एंड
जो ट्रांसप्लांट की टेक्निक हमने इस ट्रांसप्लांट में यूज़ की है वो है एक जर्मन मेथड होता है जिसे हम TCR अल्फा बीटा CD45 RA डिप्लीटेड ट्रांसप्लांट कहते हैं। और इस ट्रांसप्लांट से मिसमैच ट्रांसप्लांट में होने वाली एक मेजर कॉम्प्लिकेशन जिसे हम ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ कहते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। और हमारे केस में भी ऐसा ही हुआ। युक्ति को हमने सितंबर लास्ट वीक में एडमिट किया था बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए। थैंकफुली उसने ट्रांसप्लांट कंडीशनिंग बहुत ही अच्छे से टॉलरेट की, कोई भी मेजर उसको ऑर्गन टॉक्सिसिटी नहीं हुई। स्टेम सेल इन्फ्यूजन उसको अक्टूबर फर्स्ट वीक में दिया गया था और ऑलमोस्ट करीब 10 से 11 दिन के में ही उसके स्टेम सेल्स जो हमने इसको दिए वो बनने लगे धीरे धीरे। और युक्ति का ब्लड, प्लेटलेट, वाइट सेल्स सब ने अच्छे से काम करना स्टार्ट किया, जिसे हम एंग्राफ्टिंग बोलते हैं। और करीब डे 22 के करीब हमने उसका एक टेस्ट भेजा जिसे हम काइमरिज्म बोलते हैं, और ये पुष्टि करता है कि जो ट्रांसप्लांट है वो कितना परसेंट सक्सेसफुल हो गया है। सो वो टेस्ट की रिपोर्ट जब आई वो 100% आया। दैट मीन्स युक्ति के ब्लड में 100% डोनर उसके फादर का था। और अभी ट्रांसप्लांट को करीब 1.5 महीना हो गया है और युक्ति बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही प्लेफुल है, स्माइलिंग है, कोई भी ऑर्गन टॉक्सिसिटीज़ नहीं है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, एंड बहुत ही बढ़िया कर रही है। और हम उसकी जो रिकवरी है देख के उसको बहुत ही मैं और मेरे मेडिकल टीम बहुत ही खुश हैं। सो इस केस से बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मिलता है कि एक कोई भी ऐसी बीमारियाँ जिनमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही एक ऑप्शन है और फैमिली में 10x10 HLA मैच या 10x10 अनरिलेटेड मैच अवेलेबल नहीं है, उसमें हाफ मैच ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं अगर फैमिली विलिंग हो और जो जो मेडिकल टीम है उसे कंफर्टेबल हो। थैंक यू।